बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेट सोलर। और आज ए ग्रेट सोलर की टीम मौजूद है हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 6 नंबर में। यहाँ पे हम 6 किलोवाट का एक सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें नाइट्रोक्स IP65 न्यू वेरिएंट का इन्वर्टर आ रहा है। इसके साथ 12 सोलर पैनल्स आ रहे हैं और लिथियम बैटरी नाइट्रोक्स की आ रही है। तो A to Z ये नाइट्रोक्स बेस्ड सिस्टम है। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाते चलें कि हमने जो है लिथियम बैटरी इन्वरेक्स की जो है पावर वॉल, जो कि अभी लेटेस्ट आई हुई है, 4.25 लाख तक ही मार्केट में अवेलेबल है। इस बैटरी को हमने अपने सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है, अभी इसकी वायरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। इस बैटरी के बारे में आपको बताता चलूं कि ये 16 सेल बैटरी है और इन्वरेक्स इसको 5 ईयर वारंटी में देता है। जहां तक मेरा अंदाजा है कि इसकी 3 ईयर वारंटी होगी पार्ट्स की और 2 ईयर सर्विस वारंटी होगी, तो टोटल जो है वो ये 5 ईयर वारंटी में इन्वरेक्स जो है वो इस बैटरी को क्लेम करता है। तो अगर कहा जाए कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास इन्वरेक्स इन्वर्टर और इन्वरेक्स की लिथियम बैटरी है, किसी भी क्लाइंट के लिए ये आइडियल सेटअप हो सकता है। इस बैटरी पे जो रेटेड आउटपुट है वो तकरीबन 4.5 किलो वाट का हमें मिल सकता है। इसका मतलब ये कि 500 वाट का लोड आप तकरीबन 8 से 9 घंटे इस पर रन कर सकते हैं। अगर 1000 वाट का लोड रन करते हैं तो तकरीबन 4.25 घंटे आपको बैकअप इस पर मिल सकता है। तो ये सारी वायर्स हम थ्रू आउट उसमें सेटिंग कर रहे हैं, 4 mm 6 mm सोलर साइड से लेके आए हैं, क्योंकि साइड का अंदाज़ा नहीं था हमें कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आ रहे हैं या 1 आ रहा है। तो इस वक्त हमने इसमें दोनों वायर्स चल सकती हैं, दोनों शील्डेड हैं और टिन कोटेड हैं। तो 4 mm और 6 mm दोनों की हम एक एक स्ट्रिंग लेके आए हैं, 6-6 पैनल्स की स्ट्रिंग इसमें आ रहे हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो हमने बैटरी साइड पे जो है ये जो इसके साथ कॉइल आती है हमने अटैच कर दी है। DC साइड पे ये पहले से अटैच है। कनेक्शन आपके सामने, हमने इसमें से स्मार्ट लोड भी उठाया है तो उसकी भी वायरिंग जो है हमने उसके अकॉर्डिंगली कर ली है। हमारा मेन स्विच जो है DB बॉक्स इस पर आ चुका है। ये सेम चीज़ें आप हमारे सब प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं, इसी पैटर्न में हमने इसको डिज़ाइन किया है। रिले को जो है स्मार्ट लोड बाईपास करने के लिए हमने यूज़ किया है कि हमें सिस्टम से वापडा को अगर हम ऑफ रख के भी ऑपरेट करना चाहें तो दिन में सोलर जो है उस पर AC हमारा चल जाए, रात में ऑटोमेटिकली वो के इलेक्ट्रिक पे मूव ऑन हो जाए, बाकी घर का जो मेन लोड है वो सारा बैटरी पे थ्रू नाइट जो है थ्रू आउट जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म के तहत हम इसकी सारी सेटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, कोशिश होगी कि दिन रहते अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इस पे आपको पैनल्स की टेस्टिंग भी दिखा देंगे। फ्रेंड्स, हम इस वक्त इनकी वायरिंग कर रहे हैं, हमने BMS की वायर्स वगैरह भी सब कनेक्ट करके इसको अप टू डेट कर दिया है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है सिस्टम को हम रनअप करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेट हो जाए। उसमें थोड़ा सा लेवल का इशू था कि उसका टिल्ट प्रॉपर नहीं था, इसलिए हमने उसको स्ट्रक्चर को दोबारा ओपन करवा के उसकी रीऑर्गेनाइजिंग करवा रहे हैं। ये शोर जो आप सुन रहे हैं उसी का है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये वायरिंग आ रही है नीचे से। तो हम ये डक पट्टी आप देख रहे हैं, इसके थ्रू नीचे वाले फ्लोर से जो है वो मेन स्विच से 6 वायर्स लेके आ रहे हैं। सारी 6 mm वायर्स हैं 7/44 की। तो ये आपके सामने जो है ये देखें, ये मेन स्विच है जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सामने वाला जो है। और यहीं पे सारी सेटिंग करके ना हम यहाँ से थ्रू डक पट्टी जो है ये सारा यहाँ से वायर लेके आएंगे और टोटल जो है वो 6 mm का वायर है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो क्लाइंट की चॉइस थी कि इसको ऊपर लगा के कनेक्शंस नीचे करने, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंगली जो है सिस्टम को जो है ना हम उसी हिसाब से सेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं जो गैप आ रहा है इसको हम इतना इंक्लाइन करवाएंगे ताकि हमें टिल्ट प्रॉपर मिल सके। तो ये स्ट्रक्चर के साथ टिल्ट हमें मज़े वाला नहीं लग रहा था, इस वजह से दोबारा फैब्रिकेशन की टीम को बुलवा के इसकी रीऑर्गेनाइजिंग कर पा रहे हैं। तो इस वक्त लतीफाबाद 6 नंबर का ये इलाका है, तो तकरीबन हर जगह ही सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मसाइल दिखाई देते हैं वो ये कि डायरेक्शंस का लोगों को आइडिया नहीं है, इसलिए जहाँ रख दिल चाहता है वहाँ पैनल्स रख दिए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस पैनल की डायरेक्शन यूँ है, बाकी पैनल्स की डायरेक्शन सामने के रुख है। तो हर बिल्डिंग पे अलग तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पे मसला है, जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे भी 220 डिग्री पे आ रहा है, तो तकरीबन 40 डिग्री आउट है यहाँ पे। तो बहरहाल लोकेशन के हिसाब से जिसको जैसा समझ में आता है वैसा काम यहाँ पे करके दे देते हैं। कोशिश हमारी भी यही होती है कि जितना कम से कम आउट करें, लेकिन फिर घर की एलिवेशन डिसाइड करती है कि स्ट्रक्चर कैसा जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने इसके साथ लिथियम बैटरी सिंक्रोनाइज कर दी है। सिंक्रोनाइजिंग के लिए हम आपको पोर्ट बताते चलें कि आप जो है PCS की पोर्ट के साथ जो है वो 485 जो केबल है वो आप कनेक्ट करेंगे।
अगर आपने पैरेलल करनी है तो फिर इन आउट की जो है ना ये वाले पोर्ट्स यूज होंगे इन आउट वाली, लेकिन अगर सिंगल बैटरी अटैच कर रहे हैं तो सिर्फ इसी को आपने यहाँ पे एक्टिव करना है और इसके साथ आपने ला के इसको इन्वर्टर की, मैंने आपको पोर्ट दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ। इन्वर्टर के अंदर आपने कैन पोर्ट में अटैच कर देना है। यहाँ पे BMS भी लिखा हुआ होता है, 485 भी लिखा हुआ होता है, ये आपके सामने। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जो है फिर आपने इसको चेक करना है। तो चेक करने का सिंपल तरीका सा ये है कि आप यहाँ पे देखें परसेंटेज शो हो रही है। हमने क्या किया है, प्रोग्रामिंग में जाके बैटरी सेटिंग में इसको लिथियम सेलेक्ट करवा दिया है। तो लिथियम सेलेक्ट करने के बाद जो है वो इसने ऑटोमेटिकली बैटरी को सेंस कर लिया है। कैपेसिटी वगैरह इसकी हम रीडिफाइन करते हैं, ये प्रॉपर नहीं आ रही। अब हम चले जाते हैं बैटरी सेटिंग्स के अंदर, लिथियम BMS दिखा देते हैं। तो लिथियम BMS जो है हमें डेटा शो कर रहा है, तो लिथियम BMS हमें शो कर रहा है डाई का डेटा, क्योंकि ये डाई से मैन्युफैक्चर्ड है लिथियम बैटरी, इसका यही अंदाज़ा होता है। और ये 58.4 वोल्टेज जो है वो इसकी हाईएस्ट लिमिट बता रहा है, चार्जिंग करंट लिमिट 100 एम्पीयर बता रहा है, डिस्चार्ज करंट लिमिट बता रहा है। इसी तरह से हमें टेम्परेचर और SOC इस वक्त करंट पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन ये 200 AH डिटेक्ट कर रहा है। इसको हम दोबारा रीसेट करके 100 AH करते हैं। तो ये आपका स्टेटस है। इसी तरह से अगर हम सेटिंग्स में चले जाते हैं तो 200 AH को हम 100 AH करते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी सिंगल यहाँ पे लगी हुई है, तो इसकी कैपेसिटी 100 AH की है। तो मैक्सिमम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपके सामने हमने इसमें सेट की हुई है। इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम बैटरी सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें लिथियम मोड बताएगा कि डाई का जो लिथियम मोड है वो 0000 है। तो इस सेटिंग को आप अपनी चॉइस के ऊपर अदो बदल कर सकते हैं। अब हम आगे इस पे चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास करंट स्टेटस शो ये कर रहा है कि बैटरी 49% चार्ज है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज बताता चलूं कि कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि हमने अगर अपना सिस्टम जो है वो SBU मोड पे चलाना है तो SBU मोड में ये होता है कि आपकी बैटरी आप थोड़ी सी यूज करके फिर जो है वापडा को या K-Electric को अपने सिस्टम में इन होने देते हैं। तो इस सूरत में जब आप बैटरी को चार्ज ग्रिड से नहीं करवाना चाहते तो सिर्फ टाइम ऑफ यूज मोड पे चेक कर देंगे। तो इससे ये होगा कि यहाँ पे बैटरी की पावर जो आप डिफाइन करेंगे उतनी पावर यूटिलाइज करने के बाद जो है सिस्टम में K-Electric या वापडा इनपुट होगी। तो यहाँ पे 80% का मतलब ये कि आपकी 80% बैटरी कंज्यूम होने के बाद वापडा आएगी। तो आपने करना क्या है कि अगर इसको 60% रखते हैं, 50% रखते हैं, आधी बैटरी यूज करना चाहते हैं शाम के टाइम में, जैसा कि कराची में 3-phase इन्वर्टर जिन लोगों के पास है वो अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो वो इसको 50% 40% पे सेट कर देंगे और सिर्फ टाइम ऑफ यूज मोड पे चेक लगा देंगे। तो उससे ये होगा कि उनकी बैटरी उतनी यूटिलाइज होने के बाद जो है वो वापडा या K-Electric उनके सिस्टम में इन होगी। तो हमें यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अनचेक करके जो है वो सेव कर देंगे। सिर्फ ये एक सेटिंग नहीं थी जो आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये समझा दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमने जो है ना यहाँ पे एक नया सिलेक्टर ऐड किया है घर के मेन स्विच पे कि अगर कभी अल्लाह ना करे सिस्टम को बाईपास करना पड़े तो हमारे पास चॉइस हो। इससे पहले यहाँ पे ये सिलेक्टर लगा हुआ था लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड सी है, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो अब आपको दिखाते चलें कि ये जो वायर्स हम लेके आए थे 3 pair में, ये सारी वायर्स आपके सामने हैं। और यहाँ पे जो मेन स्विच है यहाँ का काम मैनेजमेंट का जारी है। तो हम यहाँ के ACs जो हैं वो सारे स्मार्ट लोड पे ऐड करने जा रहे हैं। तो स्मार्ट लोड पे AC ऐड हो जाएंगे, घर का सारा लोड जो है वो नॉर्मल बैटरी ऑपरेटेड आ जाएगा और K-Electric जो डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है वो हमारे इनपुट में चली जाएगी। तो ये वो DB बॉक्स है जिसे हम मैनेज कर रहे हैं और फिर आपको एक फाइनल टच देते हैं पैनल्स लगा के। ये देखें थोड़ा सा फ्रेंड्स जो है ना पैनल सब नीचे किए गए, तकरीबन 1.5 फुट हमने इसको गिराया जो स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था। तो अब कुछ बेहतर हो गई है पोजीशन, अभी 18 से 20 डिग्री जो है ना वो ये डाउन कर दिया, पहले ही बिल्कुल फ्लैट लग रहा था और ये 14 समझ आ रही थी, लेकिन अब हमने इसको प्रॉपर कर दिया, इंशाल्लाह पैनल्स प्रॉपर परफॉर्मेंस देंगे हमें। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है वो स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया है, पैनल्स ऊपर आ चुके हैं, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि एक और साइट सर्वे के लिए गया हुआ था हैदराबाद में ही, मेरे यहाँ पे दोस्त भी कुछ रहते हैं उनसे मुलाकात थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, दिन जो है वो ढल चुका है तो इसलिए प्रॉपर मॉर्निंग व्यू हम आपको नहीं दे पा रहे। तो वायर्स आप देख रहे हैं कि हमने इस वक्त कनेक्ट कर दी थी ताकि सोलर चेक कर लें कि नीचे कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। अब हम इंशाल्लाह हम इसको टाई करके प्रॉपर कर देंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से कोई क्वेरीज हैं तो बताइएगा। इसकी लोड टेस्टिंग शायद अब तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर
इन फ्यूचर कोई मौका मिलता है कि हम इसकी लोड टेस्टिंग कर पाते हैं तो आपसे ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो आपको फिनिशिंग वाला लुक देते हैं जो हमने डीबी ऑर्गेनाइज़ की है और किस तरह से इसको फाइनल प्रीव्यू को सेट किया है वो आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द फाइनल व्यू ऑफ द सिस्टम और हमने इसको प्रॉपर ब्यूटीफाई कर दिया है। तो आपको एक मास्टर फिनिशिंग वाला लुक देते हैं। इस वक्त हम वेट कर रहे हैं कि वापडा आ जाए ताकि इसकी चार्जिंग जो है वो वापडा से ऑन करके इस सिस्टम को फाइनलाइज किया जाए। तो इस हवाले से जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इस वक्त वापडा जो है वो हमारे सिस्टम में इन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2.38 किलोवाट जो है वो वापडा से शेयर हो रहे हैं और हमारी बैटरी जो है वो अराउंड 2 किलोवाट से चार्ज हो रही है क्योंकि हमने 40 एम्पेयर की चार्जिंग इसमें ऑन कर रखी है। तो फिलहाल ये टेस्ट पर्पस है और जब तक नई बैटरी होती है, लिथियम बैटरी आप जब भी लगाएं तो आपको प्रॉपर बैकअप लेने में 1 से 1.5 महीना लगता है क्योंकि उसके सेल मेल्ट होते हैं, प्रॉपर वो फॉर्मेशन में आती है, यूज होती है, चार्ज डिस्चार्ज होगी मल्टीपल टाइम्स तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन में आएगी। तो फिलहाल हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऑन कर दिया है ताकि अगर रात में लाइट जाती भी है तो इनके लाइटें पंखे वगैरह इस पर ऑन रह सकें। तो आज प्रोजेक्ट स्टार्ट करते करते रात हो गई तो हम इसकी सोलर टेस्टिंग नहीं कर पाए। तो कोशिश होगी कि अगर दिन में कल हम इसको ऑनलाइन सोलर का लोड डाल के चेक कर सकें तो इस वीडियो के एंड में ज़रूर ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें बता रहे हैं कि 11 एम्पेयर के करीब जो है वो हमारे वापडा से शेयर हो रहे हैं, जो कि आपके सामने ये 2 किलोवाट का सारा लोड बन रहा है। तो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर इस हवाले से कोई क्वेरीज हैं आपकी इसकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के हवाले से तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे क्लाइंट ने इन्वर्टर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग से पहले लिया था तो इसके रेट जो हमने मैंशन किए हुए हैं वो ब्लैक मार्केट से पहले के रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमें हमारे क्लाइंट ने रिज़ल्ट भेजा है जो कि उन्हें रिसीव हो रहा है। इस वक्त सोलर से तकरीबन उनको जो है वो 4.5 किलोवाट रिसीव हो रहे हैं, 4 किलोवाट के अराउंड उनका जो है लोड रनिंग है, बैटरी चार्जिंग पोजीशन पर है। तो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ और इसी तरीके से ये इन्वर्टर जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट करता है। और वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि पर स्ट्रिंग जो है वो हमें तकरीबन 2300-2400 वाट के करीब मिल रहे हैं। तो ये है ओवरऑल पूरा सिस्टम जो हमने स्मार्ट लोड ऑन किया था वो भी एक्टिव है। तो एक घर के लिए अगर ये सिस्टम आप प्लान कर रहे हैं तो समझ लें 13 से 14 लाख रुपये इस पर एक्सपेंस आता है। नॉर्मली इसके अंदर ये होता है कि आपका अगर अच्छे रेट में चीज़ें मिल गई हैं तो 12.5 से 13 लाख में ये सिस्टम इस तरह का प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।